वाला एरिया थोड़ा वैसा हुआ है, तो यहाँ से जब चढ़ेगी तो ऐसा लगता है ना फट जाएगी। दोस्तों फाइनली अभी आप देख सकते हैं हमारे पास ऑल्टो 800 का वेरिएंट है, और इस तरीके की ऑफ रोडिंग के लायक भाई ये गाड़ी परफेक्ट कह सकते हैं, हो सकती है भाई। देखो भाई जो ग्राउंड क्लियरेंस होता है ना बहुत जो है कह सकते हैं बहुत ज्यादा अच्छी ऑफर जो प्रोवाइड करवाते हैं, क्योंकि जब भी हम गाड़ी को ड्राइव करते हैं तो भाई ऐसी रोड भाई बहुत ज्यादा खराब, वहां पे बहुत ज्यादा खराब थी, मुझे लगा कि भाई कहीं जो है पता नहीं निकल पाएगी या नहीं निकल पाएगी, ठीक है, और फंस ना जाए भाई। बहुत लोगों को ये लगता है कि भाई फंस ना जाए, जैसे यहाँ पे आगे की साइड में देखो वाला एरिया थोड़ा वैसा है, ठीक है, मतलब उठा हुआ है, तो यहाँ से जब चढ़ेगी तो ऐसा लगता है ना फंस जाएगी भाई। एक्चुअली मैं अभी तक मैं गाड़ी को जो ड्राइव कर रहा हूँ और अभी तक फिलहाल से भाई ऐसा कोई सीन नहीं हुआ है, ठीक है, गाड़ी आराम से निकल जाती है भाई। पीछे की साइड में अगर मैं आपको दिखाऊं इधर की साइड में तो भाई इधर भी जगह तो है पर्याप्त, ये देख सकते हैं, बट इधर की साइड अगर मैं आपको दिखाऊं भाई वो आगे देखो ट्रैक्टर भी आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं आराम से इजिली जो है गाड़ी निकल जाती है, ठीक है। और मैं आगे का भी अभी दिखाऊंगा भाई, बहुत ज्यादा रोड खराब है और ऐसी रोडों के लिए भाई परफेक्ट बन सकती है, जो फंसने वाला चांस देखो भाई कह सकते ना अगर मिट्टी होगी ज्यादा रोड मतलब बहुत ज्यादा अगर वो होगा ना दबाव प्रेशर होगा मतलब जमीन पे, तो हो सकता है कि आपका टायर दब जाए, उसके कारण भले आपका गाड़ी जो है दब जाए, बट अगर आपकी रोड मतलब कह सकते अगर रोड सूखी ना तो भाई गाड़ी आराम से निकल जाती है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। फिलहाल ये देख सकते हैं आराम से यहाँ पे कुछ इस तरीके का सीन है, वहां पे हो सकता है भाई गाड़ी वो देख सकते फंस गई है, मुझे लग रहा है बैक ले रहा है ये ओमनी वाला ना, आगे ट्रैक्टर भी है, तो देख सकते हैं रोड एकदम खुली है, ठीक है, और ये देख सकते हैं यहाँ पे हमारी गाड़ी है, चलो बैठ जाते हैं, फिलहाल निकाल लेते हैं कुछ आगे से ट्रैक्टर भी आ रहा है। तो भाई देख सकते हैं किस तरीके की रोड चल रही है भाई, रोड बड़ा डैमेज है कह सकते हैं कि भाई जिस तरीके का एक्सपीरियंस है, मैं पूरा एक्सपीरियंस जो है शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। और ये देख सकते हैं भाई पूरा रोड मतलब एकदम देख सकते हैं भाई बिल्कुल खराब रोड एकदम जो है, किस तरीके का एक्सपीरियंस लग रहा है, ठीक है भाई। ट्रैक्टर वाले भी रुक गए हैं और ये देख सकते हैं बिल्कुल यहाँ पे मतलब रोड एकदम, मैं अगर आपको दिखाने की अभी कोशिश करूंगा ना भाई बहुत ज्यादा रोड डैमेज है भाई, बहुत ज्यादा रोड खराब है, ठीक है। और इस रोड खराब रोड में भाई अपनी ऑल्टो की परफॉर्मेंस देख के भाई लगता है कि हाँ दिल जीतने वाला काम करती है, ठीक है भाई, ये देख सकते हैं। और अभी भाई चढ़ा देता हूँ गाड़ी को, ये देख सकते हैं भाई, और मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा अभी, देखो अभी मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, ठीक है, इस सीन में दिखाता हूँ मैं आपको अगर मैं उतरता हूँ यहाँ से, ठीक है भाई, जगह जगह पे उतरना पड़ रहा है आपको एक यहाँ पे रिव्यू देने के लिए, ठीक है। ये देख सकते हैं भाई यहाँ का ग्राउंड क्लियरेंस आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा, ये देख सकते हैं भाई यहाँ पे हुआ है, ये देख सकते हैं कितना बचा हुआ है, देखो भाई इंजन से और यहाँ से ऐसा लगता है फंस जाएगी भाई, लेकिन भाई ये फंसी नहीं है एक्चुअली में, आराम से निकल गई है गाड़ी, ठीक है ये है। तो भाई अगर ऑल्टो लेने की सोच रहे तो बिंदास बिल्कुल आपके मन में अगर रिव्यू का आता है कि पता नहीं कैसा होगा क्या होगा, तो भाई डेफिनेटली आप जो है एक बार गाड़ी को प्रिपेयर कर सकते हैं, तो आराम से, और गाड़ी आप जब भी चलाएंगे ना भाई आपको अच्छा एक्सपीरियंस ही लगेगा, ठीक है, और आराम से अपनी गाड़ी को भी आप ले जा सकते हैं। तो दोस्तों होपली इस वीडियो के थ्रू आपको पूरी इन्फॉर्मेशन जो है प्रोवाइड हो गई होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सो थैंक यू सो मच।